रायबरेली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको देंगे। रायबरेली पुलिस ने किया है बड़ा खुलासा। बीते दिनों बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक मैनेजर जयप्रकाश पाल की हुई थी हत्या। आज रायबरेली पुलिस के द्वारा हत्या का खुलासा किया गया है। घटना का मुख्य आरोपी नगीना सिंह पर रायबरेली पुलिस ने किया 25,000 रुपए का इनाम का ऐलान किया था। जल्दी होगा मुख्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त में। बैंक कर्मी जयप्रकाश पाल की हत्या में शातिर अपराधी नगीना सिंह ने अपने दो स्कूटरों आकाश व दयाराम से करवाई थी हत्या। रायबरेली पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने रायबरेली एसओजी टीम व डी पुलिस टीम को बधाई दी और कहा कि इन्होंने इस खुलासे में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम आपको बता दें कि बीते दिनों बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक मैनेजर जयप्रकाश पाल की हत्या हो गई थी, जिसके बाद से ही रायबरेली में सनसनी मच गई थी और इसी के चलते रायबरेली पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया था और तुरंत ही जांच की कार्यवाही शुरू कर दी थी। इसी में आज सफलता हासिल करते हुए उन्होंने मुख्य आरोपी नगीना सिंह के दो सूत्रों आकाश व दयाराम को गिरफ्तार कर लिया है और जल्द ही उन्होंने 25,000 रुपए इनामिया नगीना सिंह को भी गिरफ्त में रहने की बात कही है। इसी के चलते रायबरेली पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव की उपस्थिति में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें उन्होंने यह जानकारी प्रदान की। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी अनुपम मिश्रा के साथ। ये 11 जनवरी की रात को थाना मलेरिया क्षेत्र में एक जयप्रकाश पाल नाम के व्यक्ति, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कार्य करते हैं, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए सीओ सिटी के निर्देशन में एसओजी थाना मलेरिया, थाना डी व थाना अधोकर की टीमें लगाई गई थी इस घटना के अनावरण के लिए, जिसके क्रम में आज उन दो शूटर्स को जिन्होंने ये घटना घटित की है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई है कि मृतक एक नगीना सिंह नाम के व्यक्ति को कुछ पैसे दे रखा था, जो कि एक प्लॉट लेने के लिए उसने ये पैसे दिए थे। नगीना सिंह ने प्लॉट इनके नाम पे नहीं खरीद कर वो पैसे अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर लिए और जब मृतक द्वारा यह दबाव बनाया गया कि वह उनको यह प्लॉट दिलाए, तब उसने ये प्लानिंग की कि मृतक की हत्या करवा दे, जिसके क्रम में उन्होंने दो शूटर्स को हायर किया और इन शूटर्स से ये घटना कारित करवाई। इन शूटर्स को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से जो वेपन घटना में प्रयोग किया गया था वो बरामद कर लिया गया है, साथ ही साथ वो मोटरसाइकिल जिससे कि ये घटना कारित की गई थी वो बरामद कर लिया गया है। नगीना सिंह जो मुख्य योजना करता है वह अभी फरार चल रहा है, उस पर मेरे द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। इसे जो कोई भी संरक्षण देता है उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द नगीना सिंह की भी गिरफ्तारी की जाएगी। सुपारी के एवज में क्या चीजें दी गई हैं शूटर्स को? नगीना सिंह का कोई ऐसा आपराधिक इतिहास अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, वो छानबीन हम कर रहे हैं। इसके सारे बैंक डिटेल्स हम लोग निकाल रहे हैं। ये भी बात प्रकाश में आई है कि इसने कई लोन ले रखे हैं और ये मनी सर्कुलेशन से अपनी दिनचर्या चलाता है। जो शूटर्स हैं उसमें से एक शूटर आकाश सिंह, उसने नगीना सिंह से कुछ दिन पहले 1,00,000 रुपये उधार लिए थे। इसी के एवज में नगीना सिंह ने इससे यह काम करवाया, इस पर यह दबाव बनाया कि या तो वह उसके पैसे वापस करे और नहीं तो उसका यह काम करते थे, जिसके क्रम में आकाश सिंह ने यह घटना कारित करी। सर लगभग कितने रुपए की बात सामने आ रही है? ये जो प्रॉपर्टी थी ये 60,00,000 की थी, जो कि ऑन पेपर है, जो व्हाइट मनी की बात है। बाकी हम सारे बैंक रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं। इसमें ये बात जरूर प्रकाश में आई है कि मृतक द्वारा अपने परिवार से और अपनी सैलरी के पैसे और साथ ही साथ अपने कुछ मित्रों से लिए हुए पैसे नगीना सिंह को दिए गए।